समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। आउटराइट मुझे ये कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, ये रोल भी बहुत अच्छे हैं। पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था, मुझे रामायण में कोई भी, मुझे श्री राम का चरित्र करना था, जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप इस मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है, मैं अगर नहीं हूँ इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात खत्म हो गई वहाँ पर। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को, मैंने सुना था ऐसा, कि सेलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता फिर भी कोशिश करता हूँ, कि अरुण साड़ी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपके पास यही अर्जी लेकर आया था, आपने मुझे वापस बुला लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डेस्टिन्ड था बिल्कुल। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, अच्छा उस समय माइथोलॉजी में काम करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। मैं आई वॉज वेरी बिजी इन फिल्म्स, कमर्शियल फिल्म्स करता था मैं। मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था और रामायण का पायलट बना 85 में, 85 या 86 में। तो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कोई प्रोफेशनली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे मेरे फैमिली ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिल्मों में काम कर रहे हो, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में करते हो, तुम्हारे करियर में गड़बड़ हो जाएगी, तुम माइथोलॉजी करोगे तो। अच्छा ये भी नहीं पता था कि रामायण इतनी बड़ी हिट होगी, इस बात का तो अंदाजा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे मन में आया है और मुझे ये अब मिल गया है तो आई विल डू इट, और मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ दैट्स अ हिस्ट्री। जितेंद्र आवार ने एक बयान दिया था कि राम मांसाहारी थे और इसका रेफरेंस जो है वाल्मीकि रामायण में दिया गया है, ये प्राइम टाइम डिबेट तो हालांकि से कहा जा रहा है लेकिन लोगों की आस्था को कितना ज्यादा ठेस पहुंच रहा है इससे, इस पर आपका कमेंट क्या रहेगा, ना सिर्फ वो बल्कि उद्धव ठाकरे और साथ ही तमाम जो लेफ्टिस्ट पार्टीज के नेता हैं, तो इसको लेकर क्या रिएक्शन? किसी इंसान के बारे में अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती है, तो जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल हैं वही सामने लाई जाए। ये जिस इंसान, जो इंसान ऐसी बातें कहता है ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करता, उसको किसी भी तरह से निगेटिविटी पैदा करनी है अपने स्वार्थी रीजंस के लिए। ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव के साथ निगेटिव होता ही होता है, आप अलग नहीं कर सकते दोनों को, ये हमारे ऊपर है। आज हमारे माता पिता होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, हम उनसे अच्छी बातें लें या उनकी कमजोरियां लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इजाज़ सिंपल होता है, हमें अपना जीवन किस तरह जीना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम उन बातों को न देखें या न सोचें जो डिबेटेबल है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनते तो ये सब संभव हो पाता? देखिए अब दो बातें हैं, अगर हम ये कहते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। न तो हम केवल भाग्य के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह और न हम कर्म के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह। हमारा जीवन हमारे भाग्य और कर्म का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है एक दूसरे के। जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाग्य है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्म भी है। कर्म हमारा भाग्य बदल देता है और हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल देता है, इसलिए इस डिबेट में हम न जाएं तो बेहतर। अरुण जी, पवन भारद्वाज पीटीआई से, जी 695 टू टाइटल है, किसके कितना मुश्किल था ये चीज, कैसे जाइन में आया डायरेक्टर से आपसे जानना चाहिए? चलिए बहुत बड़ी बात है, आई गिव फुल क्रेडिट टू दैट पर्सन जिसने भी ये टाइटल सोचा है, इट्स अ ग्रेट टाइटल, ग्रेट टाइटल। सर चावला जी ने अभी बताया कि
अयोध्या में जब आप लोग शूट कर रहे थे तभी लोग आकर आपको ही पूछना शुरू कर दिए थे, आगे से बता रहे थे, तो अयोध्या में आपकी काफी सारी मेमोरीज रहेंगी पहले भी शूट की और अब जब आप शूट कर रहे थे वहाँ पे, अयोध्या बदल चुका है सब लोग यही कह रहे हैं, कितना बदला है, क्या बदलाव आपको नजर आया, आपसे जानना चाहिए। अयोध्या नहीं बदला, अयोध्या तो वही है, अयोध्या की सड़कें बदल गई हैं, अयोध्या के मकान बदल गए हैं, अगर अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है, एयरपोर्ट अच्छा बढ़िया रेलवे स्टेशन बन गया है, अयोध्या नहीं बदलता कभी, भावना नहीं बदलती उसकी, वो अयोध्या जो पहले जितना हमारे लिए पूज्य था आज भी हमारे लिए उतना ही पूज्य है। देखिए जहाँ तक मेरे अपने रोल का प्रश्न है वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, ठीक है। बाकी हमारे प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हैं, राइटर भी, राइटर नहीं है यहाँ पर, तो ये उनसे बात आप पूछेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पूरी फिल्म क्या बनी है, कैसे बनी है, कितना मुझे, पर मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी, बिकॉज ये जो पूरी फिल्म है ये बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, ईमानदारी से लिखी गई है, क्योंकि मैंने बाकी लोगों के भी जो स्क्रीन पे थे वो मैंने पढ़ा है, स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने, और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो कल को कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। सर अरुण जी, अगर ये हर चीज को राजनीतिक मुद्दा दे दिया जाता है, एक साफ सुथरी मूवी है, राम के ऊपर फिल्म है, लेकिन आपको लगता है कि आज से इसकी राजनीति चालू हो जाएगी, लोग विपक्ष वाले कुछ बोलना शुरू कर देंगे? बोल ही रहे हैं सर, नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, मैंने अभी तो बताया बोलना उनका काम है, जो भी विपक्ष में होगा वो बोलेगा। सर, सर विपक्ष का कह रहा है कि मतलब इलेक्शन आ रहे हैं और ये मूवी बन के मतलब कि एक अलग सा मतलब कि बीजेपी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इलेक्शंस के दौरान, इसीलिए भैया ये बात विपक्ष कह रहा है ना, तो विपक्ष से पूछो ना जाकर, अरुण गोविल से क्यों पूछ रहे हो, अरुण गोविल विपक्ष में नहीं है। एज ए प्रोड्यूसर मैं अपना फंडा क्लियर कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी इस फिल्म को बनाने का मेरा पर्सनल में बात कर रहा हूँ, ये उद्देश्य है कि जिन योद्धाओं के कारण आज ये मंदिर स्वरूप ले रहा है, संभव हो पाया है, हम संपूर्ण हिंदू समाज के लिए ये आस्था का केंद्र जो आज अपना स्वरूप ले रहा है, जो भी लोग वजह हैं उसके पीछे जिनके कारण भी ये मंदिर आज संभव हो पाया है बनना, उनको हमारी फिल्म से लाभ होना चाहिए, ऐसा मेरा ये आध्यात्मिक मानना है और मेरा ये कर्तव्य भी है। इस विधा के माध्यम से कई प्रकार की अजीब सी फिल्में आपके हमारे बच्चों के साथ बैठ के हम देख नहीं सकते, ऐसी फिल्में भी तो परोस रहे हैं लोग, उनका विरोध क्यों नहीं करते यार, अभी अभी गई है एक दो फिल्में सर, अभी मैं तो मेरे परिवार के साथ नहीं देख पाया उन फिल्मों को, बावजूद उसके वो बहुत बड़ा बिजनेस करती हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम सब हम उस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं ये संकल्प किया हूँ कि उन लोगों को बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए हमारी इस फिल्म के माध्यम से, हम अपनी क्षमता अनुसार जितना भी कार्य को किए। श्यामा जी ये बताइए कि आप जब आप अयोध्या पर पिक्चर बना रहे हैं, राम मंदिर को लेकर मूवी बना रहे हैं, आगे चलकर ज्ञानव्यापी और मथुरा को लेकर भी मूवी बनाएंगे? समय के साथ सब बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले रोहिंग्या घुसपैठ NRC पे भी मेरा काम चल रहा है। समय होता है ना हर चीज का, समय लगता है कोई अच्छे काम को करने में, है ना, एक बड़े काम को करने में, ऐसे ऐसे महापुरुषों से मिलने में मुझे 1.5-2 साल लग गए भाई साहब,
उसके बाद तो फिर साल भर में लगभग सबके सहयोग से आज हम इस काम को एक मिनट आप क्या कहना चाह रहे हैं नहीं मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य मुझे बहुत समय लगा पहुँचने में भाई रीलोकेशन क्या क्या लिया आपने अयोध्या में लगभग सभी जगह जहाँ जहाँ तक नहीं जा पाए थे आज तक लोग दशरथ महल तक हम लोग गए वहाँ बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा गीत आप लोग जब थिएटर में देखने जाएंगे बहुत ही प्यारा भजन अरुण ध्रुवी साहब के ऊपर फिल्माया है वो हमने बिल्कुल जन्मभूमि और वो हनुमानगढ़ी के बाजू में ही दशरथ महल में उसको फिल्माया है लगभग डेढ़ महीना हम लोगों ने अयोध्या में शूटिंग की नमस्कार पहली बात तो श्याम चावला जी और उनकी पूरी टीम को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने हमें इसमें काम करने का सौभाग्य मिला है आज इनके टीम की वजह से और ऐसे महान जो कलाकार हैं खास करके गोविंद साहब अरुण गोविंद जी हैं इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है बहुत बड़ी बात है आज रामायण का माहौल बन गया है ज़बरदस्त माहौल बन रहा है और उस वक्त ये फिल्म आ रही है कितनी बड़ी बात है वैसे देखा जाए तो मैं कोई कलाकार नहीं हूँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ पहले बता देता हूँ मेरे चेहरे की वजह से बस इन लोग भुला लेते हैं हम काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं न्याय देने की कोशिश करते हैं मेरे ख्याल से इन लोग ही बता सकेंगे हमने अपने रोल को न्याय दिया है या नहीं दिया है आप बताइए बिल्कुल जितना भी हम लोग क्या एक्चुअली में जब रथ यात्रा का उस समय का जो चित्र है उस समय मोदी जी नेपथ्य में रहकर अपना